अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा घी का रायता। आप इसको घी का रायता, लौकी का रायता या मिक्स वेजिटेबल रायता भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनने वाला रायता है। बिरयानी के साथ हो या किसी भी सालन के साथ आप ये रायता सर्व करें और इट्स अमेजिंग। जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये हैं जी हमारी रेसिपी के सारे इन्ग्रीडियंट्स। सबसे पहले जी मैंने लिया है घिया। घिया मैंने लिया है दो। अगर बड़ा होगा तो आप एक ले लें और अगर छोटे साइज़ के होंगे तो आप दो लें। उसको मैंने अच्छे से कद्दूकस किया और फिर मैंने उसको बॉईल कर लिया 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद जी मैंने लिया दही 1/2 kg। टमाटो मैंने लिए 2 जिसको मैंने इस तरह कट कर लिया। अनियन लिए मैंने 2 उसको भी मैंने इस तरह कद्दूकस कर लिया। ग्रीन चिली मैंने ली 2 वो भी कट कर ली। कुकम्बर लिए 2। उसके बाद जी मैंने लिया शुगर 1 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon, ब्लैक पेपर 1 teaspoon, सॉल्ट 1 teaspoon। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दही में डालेंगे शुगर। शुगर मैंने 1 teaspoon ऐड किया है क्योंकि दही खट्टा था। अगर आप 1 teaspoon शुगर ऐड कर देंगे तो टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप डब्बा पैक दही लेते हैं तो वो ऑलरेडी मीठी होगी तो आपने शुगर स्किप कर देनी है। तो इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला एंड ब्लैक पेपर, अच्छे से बीट करेंगे। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले अनियन ऐड करेंगे, टोमेटो ऐड करेंगे। आपको जो वेजिटेबल नहीं पसंद आप उसको स्किप कर सकते हैं। ग्रीन चिली ऐड करेंगे। कुकम्बर ऐड करते हैं। और लास्ट में जब हम इसमें घी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार से घी का रायता तैयार है। गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाता है और सबसे बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिया खुद भी बहुत पसंद था। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना नहीं भूलना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। तब तक के लिए आपने फूड एंड मूड को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।